हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मैंने ना कल जो साफ़ सफाई की थी, जैसे इस अलमारी की, तो उसमें से ना जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत बड़ा हो गया था, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़े से वीडियो को इसमें जोड़ दिया है, क्योंकि ना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसीलिए। तो जो पोलोथीन मैंने उधर अलमारी में से निकाली थी उसको मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ, और जो इसमें से बेकार हो गई थी उसको मैंने काट करके अलग फेंक दिया था। तो अभी यहाँ पर इसमें मैंने सरफ डाल लिया है पोलोथीन पर, और फिर मैं इसे ना एक कपड़े से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इस पर ब्रश चलाऊँगी ना तो फिर इसकी जो प्रिंट जो है इस पर ये बेकार हो जाएगा, और वैसे भी फिर फटने का डर रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी नाजुक सी है, इतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए तो मैंने कपड़ा लिया और इस पर अच्छे से मतलब साफ़ करना शुरू कर दिया, और बहुत अच्छे से साफ़ हो रही थी और बहुत जल्दी से भी हो जाती है। तो अभी यहाँ पर मैं इसे साफ़ करने के बाद फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं जो कि मैंने भिगो करके रख दिए हैं, और कपड़ों को भिगोने से ना धोने में बहुत आसानी हो जाती है, वरना तो ना बहुत मेहनत लगती है फिर धुलने में, अगर कपड़े गंदे हों तो, है ना। और कपड़े गंदे होते हैं जब भी धुलते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने पहले इसी को साफ़ किया है, मैंने कहा चलो पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, इसको साइड में कर देंगे और फिर कपड़ों को धुल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर यही काम चल रहा है अभी मेरा। तो अभी यहाँ पर मैंने कपड़े धुलने कर दिए हैं शुरू, और टाइम ना बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो रहा था, क्योंकि ना जब हम अपने घर की साफ़ सफाई करें या कोई भी काम करें तो फिर हम टाइम नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि दिन है रात है, क्या टाइम हो गया है क्या टाइम नहीं हुआ है, हमें एक धुन सी लग जाती है, एक लत सी लग जाती है अपने कामों को करने की, है ना। तो अभी मुझे लगी हुई है कि बहुत जल्दी से मेरा घर साफ़ हो जाए, दीपावली की सफाई हो जाए, और काफ़ी दिनों से मैं कर भी रही हूँ एक एक करके, काफ़ी हद तक मैंने कर भी ली है सफाई, लेकिन अभी नहीं हो पाई है। तो अभी रोज़ मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, एक चीज़ ले लेती हूँ और उसकी सफाई कर लेती हूँ, जैसे कि आज मैंने सोच लिया कि कल मुझे इसकी सफाई करनी है तो फिर मुझे उसकी ही करनी है, फिर मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ और फटाफट से अपने उसी काम में लग जाती हूँ, है ना। और कितनी मेहनत करते हैं हर एक लेडीज, कितनी मेहनत करती है घर को संवारने में, है ना, घर को अच्छे से चलाने में, हर एक चीज़ में ना अपनी बचत और अपनी हर एक चीज़ देखती है एक लेडीज, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी इतनी आसान नहीं है घर को चलाना या घर को संवारना, है ना, तो बहुत वो लगता है। तो अभी यहाँ पर जो भी कपड़े थे वो मैंने सुबह ही भिगो दिए थे, क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ, जैसे कि अनुष्का के पापा जी लेट नहाते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि शाम में कपड़े भिगो देती हूँ, और फिर जैसे कि सुबह मैं उनको जब धुल लेती हूँ तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाते हैं।
तो अभी यहाँ पर कपड़े धुल गए हैं और मैं नहा भी ली हूँ और बारी आ गई है कपड़ों को बाहर सुखाने की, जो कि हमें यहाँ पर सुखाने हैं। तो अभी मैं कपड़ों को यहाँ पर सुखा दूँगी और मौसम आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा होगा इधर से जाल से कि मौसम थोड़ा ऐसा ही हो गया है, लग रहा है कि मौसम ख़राब होगा, है ना। तो भी मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा वैसे तो अभी कपड़े गीले हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर कपड़ों से पानी जैसे कि सूख जाएगा, थोड़े हल्के गीले हो जाएंगे ना, तो फिर मैं ये सोच रही थी कि फिर इनको यहाँ से उतार लूँगी, वरना तो गीले हो जाएंगे ना, फिर नहीं सूख पाएंगे। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि डालूँ नहीं डालूँ अभी, एकदम से बारिश ना आ जाए, फिर पता चले कि अभी सुखा करके जाऊँ फिर उतारूँ, तो बस वही चल रहा था दिमाग में। कभी कभी ना हम बहुत वो हो जाते हैं, अपने काम को करते हुए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो पर चलो कोई नहीं, अभी देख रही हूँ मैं कि चलो सुखा ही देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं अनुष्का से भी बातें कर रही थी। तो अभी मैं नहा करके आ गई हूँ और मैं सीधा किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पर जो मैं चावल रख गई थी, जो कि मुझे एक आधा इसमें कीड़ा नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इनको ना साफ़ कर लेते हैं, साफ़ करके और इन्हें इस कपड़े पे डाल के पंखे के नीचे रख दूँगी हवा में, तो उससे ना ये सही हो जाएंगे कि इनको धूप में नहीं सुखा सकते हैं इसीलिए। तो अभी यहाँ पर जब इतनी हम मेहनत करते हैं, इतनी सावधानी बरतते हैं, फिर भी ये चीज़ें देखने को मिले तो मन बड़ा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है मन की, इतना कुछ करने के बाद में भी ये सब। तो अभी यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो साफ करके इनको भी रख देते हैं, फिर ना क्या होगा कि अगर मैं एक बार लेट जाऊँगी तो फिर मन नहीं होगा कि अभी कुछ काम कर लें, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इस काम को भी ख़त्म करके तभी लेटेंगे, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, थोड़ा बहुत आराम करने को भी मन होता है। चाहे आप कितनी ही साफ़ सफाई घर में चल रही हो, कुछ भी काम चल रहा हो, अगर आप 10-15 या आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आपके पास टाइम है लेट लेते हो ना, तो उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल जाता है। इसीलिए तो मैं अभी सोच रही थी कि थोड़ा सा ना आराम करूँगी, फिर उसके बाद और भी काम है तो वो कर लूँगी। और अभी ना बहुत छोटा सा दिन होने लगा है, काफ़ी छोटा दिन हो गया है, पता ही नहीं चलता कब में कर चला जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। काम करते हुए सुबह जैसे कि चाय वगैरह पीकर झाड़ू वगैरह लगाते हैं, इतने में ना 8 बज जाते हैं, और पहले तो 8 बहुत देर बाद बजते थे, जब तो ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा दोपहर हो गई है, और अभी तो बहुत जल्दी से ही हो जाते हैं। अब वैसे भी दिन छोटे ही होंगे, अब बड़े नहीं होंगे, आगे आगे तो और भी छोटे होंगे, है ना। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े मैं बता रही थी, कल मैंने, आज ये दूसरा दिन हो गया है, और कल मैंने ये वहाँ पर सुखाए थे तो बरसात आ गई थी जब उधर, तो फिर मैंने ये उठा करके इधर रख दिए थे, रूम में सुखा दिए थे। तो अभी ये गीले मतलब सूख गए हैं, अभी गीले इतने नहीं हैं, जो सूखे हैं उनको रख दूंगी तह करके, और जो गीले हैं ना उनको मैं अभी सुखा दूंगी। तो अभी यहाँ पर वही काम चल रहा है मेरा, अभी मैं इनकी तह भी कर लूंगी, है ना, तह करके फिर इनको मैं रख दूंगी।
तो अभी उधर कपड़ों का काम ख़त्म करने के बाद इधर भी कपड़ों का काम ही है। वो वैसे कपड़े थे पहनने वाले, ये थे जैसे कि हम सोते हैं तो रात को खेस वगैरह ओढ़ने वाले, तो अभी यहाँ पर कपड़ों का ही काम चल रहा है। सुबह में चाय वगैरह हमने पी ली है और इधर ना मैं बातें कर रही थी तो, और इधर ना अभी मेरे इस थैले में आपको दिख रहा है इसमें ना मेरे सूट रखे हुए हैं, तो अभी इनको जगह ही नहीं मिल रही है कि मैं कहाँ पर रखूँ। कल मैंने जैसे सेफ की सफाई की थी तो उसमें से निकाल लिए थे और ये अभी सिले थे, मैंने पहने भी नहीं है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो इनको बेड में और उसमें रख दूंगी, बैग में जैसे कि मैं रखती हूँ, तो वहाँ पर भी इनको जगह नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि अब कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, तो ये वापस से वहीं जा रहे हैं जहाँ पर ये थे, उन इनको मैं वहीं पर लेकर के जाऊँगी, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आया कि कहाँ पर रखूँ, है ना। हो जाता है कभी कभी उधर, फिर सेफ में भी रख देते हैं तो ज़्यादा भीड़ सी हो जाती है, वो भी अच्छी नहीं लगती। चीज़ें ना अच्छे से दिखें, अच्छे से रख कर अच्छी लगें तभी अच्छी लगती हैं, है ना। तो वही है, पर चलो देखते हैं, इनको भी कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी, जब कोशिश करेंगे तो मिलेगी, है ना। और बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो हार तो होती नहीं है, ये हकीकत है। अगर आप मन से मेहनत करते हो किसी भी चीज़ के बारे में तो वो हो ही जाती है। तो अभी इनकी मैंने तह कर दी है, और ये दो थैले हैं, इनमें भी छोटा छोटा सा सामान है छोटे थैले में, और इसमें मैंने आपको बताया था सूट रखे हुए हैं। तो चलो देखते हैं, पहले इनको अंदर रख देते हैं, बिस्तर जो भी हैं। तो अभी यहाँ पर वो रख दिए हैं और अब बारी आएगी बेड को अच्छे से सेट करने की, और फिर लगाएंगे हम झाड़ू। झाड़ू के बाद लगाएंगे पोचा, और झाड़ू हमारी लग गई है और अभी आ गई है बारी पोचा लगाने की। तो अभी फ़िलहाल मैं पोचा लगाऊंगी, और आज ना मैं बैठ करके ही पोचा लगा रही हूँ क्योंकि मन नहीं है। और वैसे तो तबीयत ठीक है, लेकिन वो वाली अभी बात नहीं है, अभी ज़्यादा आराम नहीं है, लेकिन कर लेते हैं अपने काम को जैसे भी होता है। तो अभी यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो बैठ कर ही पोछा लगा लेते हैं, खड़े होकर नहीं लगाते हैं। और हवा चल रही है बहुत ठंडी वाली, और बरसात भी आई थी, ज़्यादा तो नहीं आई थी पर आई थी, और लेकिन अभी ठंडी हवा चल रही है, घटाए हैं मौसम, अभी ज़्यादा अच्छा नहीं है। अभी पता नहीं बारिश और भी होगी, वैसे अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बरसात की, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा काम चल रहा है किसान का, बहुत ही ज़्यादा। और अभी ना अगर इस टाइम पर बरसात ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो या कम हो ना बिल्कुल भी अभी ठीक नहीं है। कोशिश तो यही है कि ना हो ना हो, लेकिन ये हमारे हाथ की बात नहीं है ना। कोशिश इसमें तो कोशिश भी नहीं कर सकते, इसमें तो कोशिश भी नहीं चलेगी, है ना। बस ये है कि भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा ना हो। तो चलो जी, कोई नहीं, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं कुछों का, तो बस यही है कि अगर बारिश बरसात हो जाएगी तो मन दुखी हो जाएगा, नहीं होगी तो थोड़ी खुशी सी होगी कि चलो अच्छा है, भगवान ने हमारी सुन ली है ना, वही सब है। तो अभी इधर मैं पहले बरामदे मतलब उधर रूम से मैं लगा करके आ गई हूँ पोछा, जो बेडरूम है, और अभी इधर बरामदे में लगा रही हूँ। और मैं कूलर के नीचे ना हाथ अंदर तक कर रही थी, जो कि थोड़ा भी कचरा वगैरह कुछ भी ना रहे, जिससे कि ये साफ हो जाए। Thank you.
तो अभी आ गए हैं हम इधर, और इस गली में लगाने के बाद फिर हम जाएंगे दूसरी साइड। और अभी ना जैसे कि नवरात्रि थी, फिर दशहरा भी आया, और कितनी जल्दी से सारी चीज़ें चली जाती हैं पता भी नहीं चलता, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ऐसा लग रहा था कि अभी नवरात्रि हैं, 9 दिन तक ये चलेंगी, फिर लगा कि अभी दशहरा आएगा, अभी इंतज़ार है कि हमें कि अभी दीपावली आएगी, उससे पहले तो त्यौहार और भी आएंगे, जैसे करवा चौथ है, अगोई अष्टमी है। तो पता नहीं क्यों कम में कर ये चीज़ें चली जाती हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता, टाइम ऐसे ही निकल जाता है ना। और लगता है कि अभी तो काफ़ी दिन हैं जब ये आ करके चले जाते हैं, और ऐसे ही 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और ऐसे ही कर करके महीना हो गया, 1-2 महीने हो गए, फिर दोबारा से ये चीज़ें आ जाती हैं, तो पता नहीं चलता, टाइम बहुत जल्दी चला जाता है। हमें टाइम का ना अच्छे से यूज करना चाहिए, हर एक चीज़ को हमें अच्छे से इंजॉय करना चाहिए, ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है ना। तो चलिए अभी ना यहाँ पर मेरा काम हो ही गया है लगभग, और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ बताइए और कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो का यहाँ पर एंड कर लेते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।